अगली बड़ी खबर धौलपुर से है, जहां बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। बैंक लूटकर भाग रहे बदमाशों का पुलिस ने दरअसल यहां पर पीछा किया था। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस ने बचाव में जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के दौरान दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। मनिया थाना क्षेत्र के खेड़ी रपट के पास की यह घटना बताई जा रही है। मरेना कस्बे स्थित पीएनबी बैंक में लूट की वारदात को इन बदमाशों ने अंजाम दिया था। बाकी अन्य बदमाशों की पुलिस अभी तलाश कर रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बैंक लूटकर भाग रहे थे बदमाश, पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। भानु शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। भानु, किस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई और क्या है ये पूरा घटनाक्रम? जी बिल्कुल, बात करें जो मनिया थाना सॉरी जोरी थाना क्षेत्र का जो मरैना गांव है, वहाँ पे पीएनबी बैंक है। पीएनबी बैंक में करीब बताया जा रहा है कि छह युवक थे, जो छह बदमाश, उन्होंने हथियार के दम पर एक बैंक पीएनबी बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद अलग अलग तीन दो मोटरसाइकिलों पर बदमाश वहां से फरार हो गए। जिसके बाद घटना की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कराई। पुलिस की नाकाबंदी के दौरान तीन बदमाशों की मनिया थाना मनिया क्षेत्र में सूचना मिली, पर बदमाशों का पुलिस ने बताया कि बदमाशों के एक बाइक को भी रास्ते में लूटा, उसके बाद बैठकर भाग रहे थे, जिस पर पुलिस ने उनकी घेराबंदी की। पुलिस पर उनको देखकर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस पर फायरिंग होने का पुलिस ने जवाब में बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसके दौरान तीन बदमाशों के पैरों की गोली लगने की बात आई है। उन तीनों को घायलों को लेकर पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड भर्ती कराया। मौके पर खुद एसपी धर्मेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे थे, घटनास्थल की जानकारी ले रहे हैं। घायलों जो बदमाश है उनसे भी जानकारी ले रहे हैं। उनके साथ जो तीन अन्य बदमाश है कहा फरार हो गए, उनकी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लगने के बाद उनका इलाज जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। जी शुक्रिया भानु जानकारी के लिए।